वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बॉडी। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया था, ठीक है। उसमें एक चीज़ जो थी वो रह गई थी, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला चार्ट है जिसको अपन सॉल ऑफ सॉइल नाम देते हैं, ठीक है। सॉल ऑफ सॉइल में क्या है कि जैसे कि ये वाटर कंटेंट है, इसका रिलेशन है, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स के साथ में, ठीक है, टोटल वेट के साथ में। ये जो है इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के साथ में रिलेशन है टोटल वॉल्यूम का, और जो पोरोसिटी है वो सॉरी वॉइड रेशियो है उसका, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये सारे रिलेशंस हैं, इनको आप जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके कैलकुलेशंस में, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जो कैलकुलेशन बेस्ड वाले, वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इन सब फॉर्मूलाज से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, जिसमें एस क्या है, सेचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। एक ये ई इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, एयर कंटेंट प्लस जो सेचुरेशन है इक्वल टू वन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये ड्राई यूनिट वेट जो है इसको टोटल यूनिट वेट डिवाइड बाई, या फिर बल्क यूनिट वेट जो है उसके डिवाइड में वन प्लस वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। ये जो है पोरोसिटी, पोरोसिटी को क्या बोल सकते हैं अपन, वॉइड रेशियो डिवाइड बाई वन प्लस वॉइड रेशियो, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट जो है इसको एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, जी अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जहाँ के जी आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये वॉइड रेशियो, ठीक है। ये सैचुरेटेड जो यूनिट वेट है जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, और जो सबमर्ज्ड है जी माइनस वन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना आप, जो गामा सबमर्ज्ड है इसका कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो सैचुरेशन है उसको कैसे, एक वाटर कंटेंट डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू अपॉन गामा टी इंटू वन प्लस डब्ल्यू माइनस वन अपॉन जी, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन जो है ड्राई यूनिट वेट, वन माइनस नीटा ए जो परसेंटेज एयर वॉइड्स हैं, ठीक है, और जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। समर्ज जो है आपको मैंने लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें बताया भी है, गामा समर्ज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की कंप्लीट यहाँ पर। अब अपन आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब अपने को अगर सॉइल पढ़ रहे हैं अपन तो उसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई भी करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर इस चैप्टर में क्या करेंगे अपन, जो कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता क्या है मेनली वो देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन टू डिफरेंट ग्रुप्स सच दैट द सॉइल इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर बिहेवियर अंडर, सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए अंडर गिवन सेट ऑफ फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस जो हैं उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरली सॉइल क्लासिफिकेशन जो है वो टू क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिफाइन होता है, फर्स्ट है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट वन है फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। फील्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि फील्ड में जाकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे सॉइल को, ठीक है। ब्रॉडली जो सॉइल है इस बेसिस के ऊपर कोर्स ग्रेंड और जो कोहेजन लेस होती है, कोर्स ग्रेंड जो सॉइल है वो, और फाइन ग्रेंड सॉइल जो कि कोहेजिव सॉइल होती है, इनके अंदर कैटेगराइज होती है। अब देखते हैं अपन कोर्स ग्रेंड सॉइल। कोर्स ग्रेंड सॉइल में क्या होता है कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन जो नेक्ड आई होती हैं अपनी, जो खुली आंखें होती हैं उनसे, ठीक है, किसके बेसिस पे, ग्रेन साइज के बेसिस पे, ठीक है। जैसे ग्रेन के साइज देख करके, जैसे अपने को लार्ज लार्ज अगर पार्टिकल्स दिखेंगे तो अपन उससे समझ जाएंगे कि ये कोर्स ग्रेंड सॉइल है, ठीक है। द मेजर कोर्स ग्रेंड सॉइल्स आर ग्रेवल एंड सैंड। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ग्रेवल्स और जो सैंड्स हैं वो नेक्ड आई से अपने को ईजिली दिख जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो लार्जर देन 4.75 mm और होते हैं उनको बोलते हैं सैंड, ठीक है। जो 0.075 टू 4.75 की रेंज में होता है उसको बोलते हैं अपन सैंड। और जो फाइन ग्रेंड सॉइल की अगर बात करें अपन तो सिल्ट एंड क्लेज आर नोन एज फाइन ग्रेंड सॉइल्स। फाइन ग्रेंड कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉइल्स की अगर अपन बात करें तो फील्ड आइडेंटिफिकेशन जो है वो फॉलोइंग टेस्ट जो होते हैं उनके बिहाफ पर कर सकते हैं अपन। फर्स्ट जो है वो है डायलेटेंसी टेस्ट और सेकिंग टेस्ट। सेकिंग ये मैं आपको यहाँ पर ओनली टेस्ट के नाम नाम बताऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा इनके इन डेप्थ जाना है नहीं टेस्ट के, क्योंकि इनके अंदर से कोई चीज़ें मोस्टली पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे वो मैं आपको
डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा, जैसे प्रीवियस में थे कि वाटर कंटेंट क्या है इन सब के, तो वो आपको बताए थे, ठीक है। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, डिस्पर्सन टेस्ट हो गया, टफनेस टेस्ट और रोलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक सोइल्स, ऑर्गेनिक सोइल्स में क्या है, फ्रेश वेट एंड ऑर्गेनिक सोइल्स यूजुअली हैव ए डिस्टिंक्टिव कलर ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक अलग सा टाइप का ऑर्डर आ रहा होता है, ठीक है, जिसको अपन जनरली स्मेल भी बोल सकते हैं। क्यों आता है वो? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके अंदर से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, जिसकी वजह से कुछ ऑर्डर अलग सा अपने को फील होगा, ठीक है। विच कैन बी मोर इजिली डिटेक्टेड बाई हीटिंग ऑन द वेट सैंपल, वेट सैंपल को हीट करेंगे तो अपने को और इजिली डिटेक्ट हो सकता है। अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सच सोइल्स इज द डार्क कलर, ठीक है। डार्क कलर जो है वो ऑर्गेनिक सोइल्स का मोस्टली होता है, ठीक है। अब ये एक साइज का वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई बोल्डर्स जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं, फिर इनसे छोटे कोबल्स, फिर ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, फिर कोलोइडल पार्टिकल। अभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और बिगेस्ट कौन सा है, ठीक है, तो ये आप लोग ये ध्यान रखना सब, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, सेवरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर डेवलप्ड बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर एज फॉलोज, फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज, ठीक है। जो दूसरा है वो है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, तीसरा जो है USCS जिसको बोलते हैं यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जो नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, जिसको आस्थो सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार इसके शॉर्ट फॉर्म भी दे देते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वन है इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसको अपन ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है। जो अब देखते हैं वन बाय वन करके, सबसे पहला जो आता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, मोर सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेंड सोइल, ठीक है, कोर्स ग्रेंड सोइल के लिए मोर सुटेबल रहता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर सोइल फ्रैक्शंस एज पर यूएस ब्यूरो ऑफ सोइल्स एंड केमिस्ट्री सिस्टम आर यूज्ड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो देख लेते हैं अपन, उनको किस हाफ पर किस किस कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। ग्रेवल के लिए जैसे ग्रेटर देन 1 mm, ठीक है, पब्लिकेशन। सैंड के अंदर 0.05 mm से लेकर के 1.0 mm तक, ठीक है। सिल्ट के अंदर जो है वो 0.005 mm से लेकर के 0.05 mm तक, क्ले के अंदर से जो है लेस देन 0.005 mm के, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रायंगुलर चार्ट बनाते हैं, ठीक है, एक जिसके अंदर से अपन फिर डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज किसका है, किस फ्रैक्शन का है। जैसे यहाँ पर अपन अगर मान लो सिल्ट ले लेते हैं, यहाँ पर क्ले ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ सैंड ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका एक डिसाइड करते हैं कि किसका कितना परसेंटेज है, उसके बिहाफ पर फिर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कि एक सॉइल सैंपल है उसके अंदर क्या क्या है कितना, फिर उसको डिसाइड करेंगे कि ये ग्रेवल है, सैंड है, या फिर ड्यूअल है, मतलब ड्यूअल जैसे कि ग्रेवल सैंड हो गया या फिर कुछ और हो गया, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर एंड हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर एंड हाईवे इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है ये। अब नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं द यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। द यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जा करके अपन देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, हाँ, USCS जो सिस्टम है ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ए कैसे ग्रैंडे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू USCS द कोर्स ग्रेंड सोइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर, एंड फाइन ग्रेन सोइल्स, ठीक है, हुज बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय प्लास्टिसिटी, और जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द सोइल मे बी क्लासिफाइड इन टू 4 major groups, जो 4 major groups हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जो फर्स्ट जो है वो है कोर्स ग्रेंड, सेकंड फाइन ग्रेंड, ऑर्गेनिक सॉइल्स और पीट, ठीक है। अब एक नोट आता है जिसके अंदर क्या है कि USCS जो है अडॉप्टेड बाय IS क्लासिफिकेशन विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। IS क्लासिफिकेशन जो है उनके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करके फिर USCS जो है वो बनाता क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं आस्थो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, द सोइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 groups, A1 to A7 तक, ठीक है, विद 1 additional group A8 for peat और muck soil जो होती है उसके लिए, ठीक है।
दिस सिस्टम इंक्लूड सेवरल सब ग्रुप्स सोइल विद इन विच विद इन ईच ग्रुप आर इवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू जीआई, जीआई जिसको ग्रुप इंडेक्स बोलते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जी आई इक्वल टू 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी। यहाँ पर जो ए बी सी डी है इनके नोटेशन जो हैं वो क्या शो करते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। एक जो शो करता है कि द पार्ट ऑफ परसेंटेज पासिंग द 75 माइक्रोन सीव ग्रेटर देन 35 एंड नॉट एक्सीडिंग, जो 75 होना चाहिए, मतलब कि ए जो है वो 35 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ए जो है ऑल्सो लेस देन 75 होना चाहिए, मतलब इसकी जो रेंज है वो 40 होनी चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। ठीक, बी दैट पार्ट ऑफ द परसेंटेज 75 माइक्रोन हैव ग्रेटर देन, मतलब अब फिर वापस से अपने को वैसे ही डिफरेंट, जैसे कि आपको बता देता हूँ कि बी जो है ग्रेटर देन 15 होना चाहिए बट नॉट एक्सीडिंग 55। ठीक है, सी दैट पार्ट ऑफ द लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40 एंड नॉट ग्रेटर देन, लिक्विड लिमिट होती है ठीक है सी, इसके अंदर ग्रेटर देन 40 होना चाहिए लेकिन जो सी लेस देन 60 होना चाहिए। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10 एंड नॉट एक्सीडिंग, जो आईपी का जो वो पार्ट है जिसके अंदर जो ये 10 से तो एक्सीड करनी चाहिए लेकिन लेस देन 30 होनी चाहिए। ठीक है, ये सब अपने को ग्रुप इंडेक्स के इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से अपने को क्लासीफाई करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं अपन, इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग इसको आईएस जो है कोड 1498:1970 इज बेसिकली द सेम दैट यूएससीएस विद द स्लाइट मॉडिफिकेशन दैट द फाइन ग्रेन्ड सोइल हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। इसके अंदर क्या है कि फाइन ग्रेन्ड जो सोइल है उसको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सब ग्रुप्स कौन से हैं, लो मीडियम हाई कंप्रेसिबिलिटी एज अगेंस्ट ओनली टू इन द यूएससीएस, जैसे उसके अंदर लोअर हाई था ठीक है, उसके इसमें तीन जो सब ग्रुप्स हैं वो हो गए। ठीक है, इन दिस सिस्टम कोर्स ग्रेन सोइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइन सोइल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, कोर्स ग्रेन जो है वो किसके बेसिस पे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के, और फाइन सोइल्स जो है वो प्लास्टिसिटी के बेसिस पर। ठीक है, ब्रॉडली सोइल्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, जो फर्स्ट है वो कोर्स ग्रेन सोइल्स, इसके अंदर ग्रेवल आ जाएगा और सैंड आ जाएगा। ठीक है, फाइन ग्रेन सोइल जो है सिल्ट और क्ले, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल्स और पीट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ग्रेडेशन कैरेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, वो बताया था मैंने आपको, उनके बेसिस पे, और परसेंटेज फाइननेस, परसेंटेज फ्रैक्शन होता है जिस जो कि जो 75 माइक्रोन की जो सीव है उससे पास कर जाए। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो जो भी अपनी सी होगी उसके ऊपर रिटेन करें। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सोइल जो है वो होती हैं जिसके अंदर 50% सैंड या फिर मोर रिटेंड ऑन दिस 0.075 mm या फिर 75 माइक्रोन जो सी है उसके ऊपर। ठीक है, वो हो जाएगी सिल्ट। ठीक है, फर्दर कोर्स ग्रेन सोइल आर डेजिग्नेटेड एज ग्रेवल इफ, कब ग्रेवल कब बोलेंगे कोर्स ग्रेन सोइल को, जब 50% और उससे ज़्यादा कोर्स फ्रैक्शन जो है वो रिटेंड ऑन 4.75 mm सीव, अदरवाइज डेजिग्नेटेड एज सैंड। अगर 50% से ज़्यादा जो सैंपल है अपना वो 4.75 mm सीव के ऊपर रिटेन कर रहा है तो उसको अपन ग्रेवल बोलेंगे, अदरवाइज अपन उसको सैंड बोलेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइननेस कोर्स ग्रेन सोइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। ठीक है, उसमें फर्स्ट केस अपन ले लेते हैं, फर्स्ट केस में क्या है कि जो परसेंटेज फाइनर है लेस देन होना चाहिए 5%, उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, बाय वेट। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो इसको जी डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, जो इसका नोटेशन होगा जी डब्ल्यू होगा, इफ रिटेंड 4.75 mm पर, जो 50% से ज़्यादा हो गया तो उसको अपन विथ सम कंडीशन, इफ जो कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो 4 से ग्रेटर हो और सी सी जो है कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर वो लेस देन 3 हो और ग्रेटर देन 1 हो तो इसको अपन बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर ये नहीं हो, इसमें ये दोनों कंडीशंस अगर, तीनों कंडीशंस अगर, तीनों में से एक भी अगर फॉलो नहीं करती है तो इसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड ये कब बोलेंगे, अगर रिटेंड जो मटेरियल है जो सॉइल सैंपल का वो 4.75 mm की सीव पर वो लेस देन 50% है
और सी यू अगर ग्रेटर देन 6 है और जो सी सी है वो 1 to 3 के बीच में है, ठीक है। अदरवाइज जो आपको इनमें से मतलब अगर कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो पुअरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे उसको, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। केस टू जो आता है इसका, इसमें क्या होता है कि अगर परसेंटेज फाइनर जो है 5 to 12%, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखना, अगर ये इसके अंदर 5 to 12% के बीच होती है परसेंटेज फाइनर, तो इसके अंदर ड्यूअल सिस्टम यूज़ करेंगे अपन। ड्यूअल सिस्टम के अंदर क्या है कि दो नाम अपन जो टू नेम्स हैं वो साथ में कंबाइंड करके लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे हैं, ये देख लेते हैं एक बार इनके जो इनका मीनिंग क्या है, जी डब्ल्यू जो सी जी सी जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स कंटेंस फाइनर एज क्ले, ठीक है। जी पी जी सी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स कंटेंस फाइनर एज क्ले, ठीक है। और ये जी जी डब्ल्यू जी एम इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स कंटेंस फाइनर एज सिल्ट, ये सारे वन बाई वन करके अपन पढ़ लेते हैं। जी पी जी एम पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल जो होता है कंटेंस फाइनर एज सिल्ट, एस डब्ल्यू एस सी ये क्या होता है, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेंस फाइनर एज क्ले, ठीक है। एस पी एस सी इसको क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेंस फाइनर एज क्ले, मतलब जैसे अगर कोई सोयल है इसके अंदर सैंपल है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हो सकता है कोर्सर होंगे और कुछ होंगे जो कि फाइनर होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी बात चल रही है फाइनर एज क्ले, ठीक है, और कोर्सर में तो आपको पता है ये सैंड होगी, ठीक है, पुअरली ग्रेडेड सैंड हो गया। और ये अपना एस डब्ल्यू एस एम की बात करें अपन तो वेल ग्रेडेड सैंड कंटेंस फाइनर एज सिल्ट, ठीक है। एस पी एस एम की बात करें तो पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेंस फाइनर एज सिल्ट, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि ग्रेवल, ग्रेवल के लिए क्या क्या अपने को कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं, ठीक है। ग्रेवल में सबसे पहला जो पोर्शन है वो लेते हैं अपन जी डब्ल्यू जी सी, जिसको अपन मैंने अभी बताया कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा कंटेनिंग क्ले एज फाइन, ठीक है, जिसके अंदर कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 है, और ये जो कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर है लेस देन इक्वल टू 1 और सॉरी लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, जिसमें क्ले फ्रैक्शन जो है वो सिल्ट फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा, ठीक है। जी पी जी सी में सेम पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होगा कंटेनिंग क्ले को एज ए फाइनर मटेरियल, ठीक है। अबोव वैल्यूज ऑफ सी सी और सी सी जो सी यू और सी सी की वैल्यूज अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो इसको बोलेंगे अपन जी पी जी सी, ठीक है। क्ले फ्रैक्शन वो इस ग्रेटर देन सिल्ट फ्रैक्शन होगा, और इसमें जो जी डब्ल्यू जी एम है उसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन फाइनर मटीरियल, ठीक है। तो इसको सी यू ग्रेटर देन 4 और जो सी सी जो है लेस देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 1, ये आप इन साइंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं पर लेस देन इक्वल टू है और कहीं पर लेस देन है, तो उसका स्पेशली आप ध्यान रखिए। सिल्ट फ्रैक्शन जो है क्ले फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा इसमें। जी पी जी एम नेक्स्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन, अबव वैल्यूज ऑफ सी यू एंड सी सी, सी यू जो कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और सी सी जो है वो अगर इसकी वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं करती हैं तो इसको सिल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू सिल्ट ग्रेटर देन क्ले फ्रैक्शन होगा, ठीक है। सैंड के ऊपर आ जाते हैं अपन, अब सैंड की बात करें तो इसमें क्या होगा कि मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन पास थ्रो 4.75 mm सी, ठीक है, तो मतलब कि ये ग्रेवल से फाइनर हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ग्रेवल से फाइनर जो मटेरियल आता है वो अपने पास में सैंड आता है, ठीक है। एस डब्ल्यू एस सी की बात करें तो वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज फाइन, ठीक है, सी यू ग्रेटर देन 6 होगा और जो सी सी है वो लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्ले फ्रैक्शन ग्रेटर देन सिल्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एस पी एस सी, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज फाइन, ठीक है, वैल्यूज ऑफ सी यू एंड सी सी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो क्ले फ्रैक्शन और ग्रेटर देन सिल्ट फ्रैक्शन होता है, तो इसको बोलेंगे अपन एस पी एस सी, ठीक है। नेक्स्ट है एस डब्ल्यू एस एम, एस डब्ल्यू एस एम में क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन, सी यू ग्रेटर देन 6 और 1 to 3 के बीच में होगा सी सी, ठीक है, इसको बोलेंगे एस डब्ल्यू एस एम, और सिल्ट फ्रैक्शन जो है वो क्ले फ्रैक्शन से ज़्यादा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और एस पी एस एम के अंदर पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट एज फाइन, और ये अबव जो इसकी कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उसको एस पी एस एम बोलेंगे, और क्ले फ्रैक्शन जो है ऑब्वियसली सिल्ट फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा, ठीक है। केस थ्री के अंदर आ जाते हैं अपन, अब केस थ्री के अंदर क्या है कि अपन ने जैसे लेस देन 5% की बात कर ली और 5 to 12% की बात कर ली, ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन मोर देन 12%, ठीक है, तीसरे केस की।
इन दिस केस सोइल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू आईएस प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग। ग्रेवल, ग्रेवल के अंदर क्या है, जीसी बोलेंगे जिसको, क्लेई ग्रेवल, ठीक है, परसेंटेज फाइननेस अगर ग्रेटर देन 12% है और आईपी ग्रेटर देन 17 है, ओ सॉरी 7 है तो इस, और क्ले फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन 7 वो सिल्ट फ्रैक्शन है तो इसको बोलेंगे अपन ग्रेवल, जो क्लेई ग्रेवल सॉरी, और जो सिल्टी ग्रेवल है उसको कब कैसे डिफाइन करते हैं, परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, आईपी जो है वो लेस देन 4% होना चाहिए और सिल्ट जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होना चाहिए क्ले फ्रैक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैंड, सैंड के अंदर क्या है, क्लेई सैंड होती है, एससी बोलते हैं जिसको, परसेंटेज फाइननेस जो ग्रेटर देन 12 एंड आईपी अगर ग्रेटर देन 7 है और क्ले फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन सिल्ट फ्रैक्शन है तो इसको क्लेई सैंड बोलेंगे, ठीक है। और जो परसेंटेज फाइननेस अगर ग्रेटर देन 12 है और अगर ये आईपी लेस देन 4% है, ठीक है, तो आईपी लेस देन 4% है और सिल्ट फ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन क्ले फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिल्टी सैंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेंड सोइल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेंड सोइल, जैसे कोर्स ग्रेंड सोइल की बात हो चुकी है तो अब इसमें फाइन ग्रेंड सोइल की बात कर लेते हैं। इन आईएस एससीएस सिस्टम में फाइन ग्रेंड सोइल्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट, आईपी और जो कंप्रेसिबिलिटी है जिसके अंदर लिक्विड लिमिट है जो उसके बिहाफ पर इसको डिसाइड किया गया है, इसकी जो कि फाइन ग्रेंड सोइल्स में कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। जनरली सोइल्स आर कंसिडर्ड एज फाइन सोइल्स वेन 50% और मोर ऑफ द टोटल मटीरियल बाई वेट पास थ्रू द 75 माइक्रोन, जैसे 75 माइक्रोन की सीव है उससे अगर 50% से ज़्यादा मटीरियल जो है वो अगर पास कर जाता है तो उसको बोलेंगे फाइनर मटीरियल, ठीक है, या फिर फाइन्स ग्रेंड सोइल, ठीक है। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी लिमिट जो है वो डिटरमाइंड फॉर 425 माइक्रोन सीव फ्रैक्शन एंड करस्पॉन्डिंग प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज फाउंड आउट, ठीक है। ये जो लिक्विड लिमिट है और प्लास्टिसिटी लिमिट है ये फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, और जो करस्पॉन्डिंग जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, ठीक है। केस फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, लो प्लास्टिक सोइल जो है जिसकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड लिमिट जो लेस देन 35% होती है, इसको बोलते हैं अपन सीएल, लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले, लो प्लास्टिक सिल्ट बोलेंगे एमएल को। नीचे एक चार्ट है उसके अंदर मैं आपको शो करता हूँ, और ये ऑर्गेनिक, ये लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ये 35 से लेसर है, ठीक है, तो इसके इधर इधर जो है वो ये सारी केस फर्स्ट की जो सॉइल्स हैं वो डिफाइन होंगी, ठीक है। केस टू की अगर अपन बात करें तो मीडियम प्लास्टिक सॉइल जो है उसके लिए, तो मीडियम प्लास्टिक सॉइल में मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होगी, इसके जो लिक्विड लिमिट की लिमिट जो है, लिमिट है, रेंज जो है वो है 35% से लेकर के 50%, ठीक है, 35 से 50, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के बीच की, ठीक है, इसको बोलते हैं सी आई एरा, एम आई और ओ आई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो सी आई किसको बोलेंगे, मीडियम प्लास्टिक और इनऑर्गेनिक क्ले, मीडियम प्लास्टिक सिल्ट को एम आई बोलेंगे और ओ आई जो है मीडियम प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले को, ठीक है। केस थ्री की बात करते हैं, ग्रेटर देन अगर 50% होती है तो इसको हाईली प्लास्टिक सोइल बोलते हैं जिसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसे कि अगर लिक्विड लिमिट बढ़ रही है तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सी एच हाईली प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है, एम एच हाई प्लास्टिक सिल्ट, ओ एच हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले, ये इनका जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो इनका नोटेशंस हैं, इनके जो ये फुल फॉर्म्स हैं ये ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर इनकी फुल फॉर्म से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। ये है, अब ये प्लास्टिसिटी चार्ट है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर ए लाइन जो है उसका जो फॉर्मूला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आईपी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 0.73 इंटू WL माइनस 20, ठीक है, इसका अगर अपन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो इस बेसिस पे इसके लाइन का फॉर्मूला, जो इस लाइन में अगर अपन लिक्विड लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने को प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर इसी के अंदर, तो ये
एक होती है यू लाइन, ठीक है। यू लाइन की जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, आई पी इक्वल टू 0.9 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 8, ठीक है, जहाँ डब्ल्यू एल जो है वो लिक्विड लिमिट है, ये पुट करेंगे तो इसके अंदर अपने को आई पी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें यू लाइन जो है वो क्या शो करेगा, ठीक है। यू लाइन का मतलब होता है कि भाई अगर यू लाइन, जैसे आई पी अगर आपको मिली यहाँ पर जो इसकी यू लाइन की मिली, इसके यू लाइन के ऊपर जैसे आपके पास कोई सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल की जो आई पी अपने को आपको पता है, ठीक है, और इसकी लिक्विड लिमिट पता है, तो आपने आई पी जो यू लाइन की है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है, वो आती है कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई भी, मतलब इसके ऊपर कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं होगी, तो सीधा सिंपल आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यू लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, और कुछ हमारे मोटिवेशन के लिए भी कर देना यार, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड क्ले मिनरल्स की, ठीक है, तो ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो सब आप कर ही दोगे, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको।